सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिल में सिनेमा। मर्सिडीज मैबैक GLS सबसे डिमांडिंग गाड़ी है अमंग द सेलिब्रिटीज। वेल, आपने ज्यादातर सेलिब्रिटीज के पास ये गाड़ी मौजूद देखी होगी। गाड़ियां तो बहुत सारी होती है इनके पास, लेकिन मर्सिडीज GLS क्यों? ऑलमोस्ट एवरी सेलिब्रिटीज ओन करते हैं। क्या है इस गाड़ी में? और मर्सिडीज ने तो वैगन जैसी गाड़ी भी लॉन्च की है, तो GLS क्यों हर सेलिब्रिटीज अपनी करियर की पीक पे जाके GLS को अपने गैरेज का शोभा बढ़ाने के लिए खरीदते हैं? वेल, ये सारे सवाल कभी ना कभी आपके मन में भी आए होंगे। इस सारे सवालों का जवाब मिल जाएंगे थोड़ी देर में, सो वीडियो में अपना अटेंशन जरूर बनाए रखें। दोस्तों, सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन कौन से सेलिब्रिटीज GLS को अपने लग्जरी कार कलेक्शन में मौजूद रखते हैं। वेल, GLS की कीमत एज ऑन 2024 3 करोड़ के आसपास होती है दोस्तों, और इन सारे सेलिब्रिटीज की गाड़ी की कीमत भी 2 से 3 करोड़ के अंदर आती है। सबसे पहले सेलिब्रिटी है दोस्तों हमारी कंगना रनौत। इनके पास है मैबैक GLS 600 पोलर व्हाइट। हमारे दूसरे एक्टर हैं शाहिद कपूर, इनके पास भी है मैबैक GLS 600 एमराल्ड ग्रीन, जिसकी कीमत 3.5 करोड़ है। तीसरे में एक्ट्रेस आती है तापसी पन्नू, जिन्होंने हाल ही में मैबैक GLS 600 पैलेडियम सिल्वर को खरीदा है। और हाँ दोस्तों, ऑलमोस्ट एवरी सेलिब्रिटी मैबैक GLS 600 ही परचेस करते हैं। और इनमें हमारी चौथी सेलिब्रिटी है रकुल प्रीत सिंह, जो ओन करती है मैबैक GLS 600 ऑब्सीडियन ब्लैक। पांचवे नंबर पर आती है शिल्पा शेट्टी, इनके पास ये गाड़ी पोलर व्हाइट में मौजूद है। 6 नंबर पर है नीतू कपूर, इनके पास ये गाड़ी वही ऑब्सीडियन ब्लैक। अजय देवगन भी ओन करते हैं, जिस गाड़ी की कलर ऑब्सीडियन ब्लैक है। इसके बाद 8वें नंबर पर आते हैं रणबीर सिंह, जिनके पास है ब्रिलियंट ब्लू कलर की मर्सिडीज मैबैक GLS 600। और यही नहीं, 9th पे दीपिका पादुकोण, यानी इनकी बीवी भी ओन करती है सेम गाड़ी। 10th पर है कृति शेनन, जिनके पास है मैबैक GLS 600 कैनवासाइट ब्लू मेटालिक। 11th नंबर पर है आयुष्मान खुराना, ये ओन करते हैं ऑब्सीडियन ब्लैक मैबैक GLS 600। फिर आते हैं 12th नंबर पर सबके चाहिए सोनू सूद, ये ओन करते हैं मैबैक GLS 600 पोलर व्हाइट में। और 13th नंबर पर आते हैं अर्जुन कपूर, इनके पास एक ब्रिलियंट ब्लू कलर की मैबैक GLS 600 है। सो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैबैक GLS क्यों सेलिब्रिटीज के बीच इतनी डिमांडिंग है कि हर दूसरे सेलिब्रिटीज के पास ये गाड़ी मौजूद रहती है? वेल, स्टेटस का नाम सुना है? हाँ जी दोस्तों, बड़े लोग बड़ी बातें, बड़े घर बड़ी गाड़ियाँ। अब आप पूछोगे कि मर्सिडीज की तो कई कार्स है, फिर GLS ही क्यों? जरूर देखो, ऐसा है कि लग्जरी SUV का नाम लेते ही GLS का नाम सामने आता है सबसे पहले। यहाँ पे G-Wagon भी है, बट वैगन एक स्पोर्ट्स SUV है, GLS एक लग्जरी SUV है, तो आप समझ ही गए होंगे। क्योंकि ये गाड़ी मर्सिडीज जैसी ब्रांड की है, और मर्सिडीज दुनिया की सबसे लग्जरियस कार बनाने की कंपनियों में से एक है, तो फिर बात वही स्टेटस वाली आ जाती है। वेल, थिंक कि आप कल को ऐसी कोई महंगी जानी मानी गाड़ी में घूमते हैं, तो डेफिनेटली आपको लेकर लोगों का परसेप्शन चेंज होगा। एंड वी ऑल नो कि कहीं ना कहीं सबसे पहले लोग आपके स्टेटस और आउटर पर्सनालिटी को देख के आपके बारे में राय बनाते हैं, जिससे आपकी एक पब्लिक इमेज क्रिएट होती है। एंड ये पब्लिक इमेज ही है जो सेलिब्रिटीज को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को, उनके करियर में बहुत हेल्प करती है। वेल, आपकी इमेज सिर्फ महंगी गाड़ियों में घूमने से नहीं बनेगी, देयर इज लॉट मोर अदर साइड्स। उनमें से आपकी इमेज को चार चांद लगाने में आपके कपड़े, आपकी गाड़ियां, आपका घर, यानी यूं कहें तो आपकी लाइफस्टाइल एक अहम हिस्सा निभाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि GLS जैसी तो कई और गाड़ियां हैं, देन व्हाई ओनली GLS? होता है ना सोशल कोज की ज्यादातर लोग जो कर रहे हैं, हम भी उसमें शामिल होना चाहते हैं। ये गाड़ी सेलिब्रिटीज के बीच इतनी फेमस हुई कि मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज उसी गाड़ी को प्रेफर करते हैं। इसी वजह से ये गाड़ी अब लोगों की सिंबल ऑफ स्टेटस बन गई है, और जब भी कोई इंसान किसी भी हायर लेवल को अचीव करता है, तो वो भी वही करना चाहता है जो उस टॉप लेवल के लोग करते हैं। एंड दैट्स द ओनली रीजन। एनीवेज, हमने इस वीडियो में गाड़ी के स्पेसिफिकेशन के बारे में ज्यादा बात नहीं की, लेकिन आप गूगल बाबा से पूछ सकते हैं, वो बता देंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली फिल्मी वीडियो के साथ। बाय बाय।